চ্যানেলটিকে প্রত্যেককেই লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। সরাসরি চলে যাব ধারাবিবরণী কক্ষে। গো অ্যাহেড প্লিজ অ্যান্ড থ্যাংক ইউ অ্যান্ড লেটস স্টার্ট প্লিজ। নমস্কার বর্ধমান, मैं कुमार शक्ति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं भव्य स्वागत करता हूं इस ग्रैंड फिनाले में। जबकि दो टीमें आमने सामने भिड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, अब वो घड़ी आ चुकी है कौन बनेगा इस मंच का सरपंच, क्योंकि इस मंच में हमारे मुखिया साहब बैठे हुए हैं, यानी कि वर्धमान की आन बान शान और सभी के चाहते खोकुन दास महाशय। बॉल थोड़ा अंदर भेज दे। हालांकि ग्रैंड फिनाले इस वक्त देख सकते हैं आरती तिरुपति टीम बनाम एंजल कोलकाता के बीच में। हालांकि टॉस जरूर जीता है आरती एंड तिरुपति की टीम, जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का मन बनाया है। क्या समा बांधा है हमारे विधायक साहब ने, जो दर्शकों का हुजूम आज उमड़ा है, धन सैलाब देखने को मिल रहा है लाइव स्ट्रीमिंग पर। आइस रॉकर्स की चैनल पर हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद है इस हाई वोल्टेज मैच को देखने के लिए, क्योंकि एक तरफ लोकल टीम कह सकते हैं सुमित इरफान इंद्रो यानी कि लोकल बॉयज और भूटान मिलकर के आरती एंड तिरुपति की टीम मिक्सअप में आई है, और वहीं लोकल हीरो कह सकते हैं बंगाल के सितारे यानी कि जगत सागर मिल करके एक बेहतरीन टीम जो इस सीजन में कमाल और धमाल मचा रही है। क्या एक और मैच, क्रंच मैच, टाइड मैच हम देखेंगे जो कि पहला सेमीफाइनल पे हम देखे थे। हालांकि 2023 का यादगार लम्हा इतिहास के पन्नों में इस मैच पर ही कैद होगा और स्वर्ण अक्षर पर लिखा जाएगा कौन सी टीम होगी चैंपियन। हालांकि गत वर्ष की चैंपियन टीम एंजल कोलकाता इस वक्त खेल रही है फिर से एक बार चैंपियन के लिए, क्या दोहरी बार ये इतिहास रचा पाएगी, देखने के लिए उत्सुक है। उनके फैंस क्लब में कई सारी ढेर सारी बधाई के पात्र बन रहे हैं। हालांकि फील्डिंग पोजीशन की हम बात करें तो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ लगा रखा है, स्क्वायर लेग लगा रखा है, मिड विकेट रखा है। हालांकि थर्ड मैन में एक खिलाड़ी है, पॉइंट पर एक खिलाड़ी है, कवर पर एक खिलाड़ी है। कुल मिलाकर के पहले बल्लेबाजी करने के लिए भूटान के साथ बखूबी साथ निभाने के लिए एक और बल्लेबाज आए हैं। हालांकि सायोन आए हैं, वहीं गेंदबाजी के लिए पप्पी लुवाना को सौंप रहे हैं गेंद कप्तान साहब। पुटू साहब प्रिंस ऑफ मेमोरी के दो खिलाड़ी एंजल कोलकाता में हैं, देख सकते हैं प्रिंस ऑफ महिषादौल है, प्रिंस ऑफ ताड़केश्वर है। कुल मिलाकर के पंजाब द पुत्तर यानी कि पेटी और पप्पी दोनों एक ऐसे गेंदबाज है किसी भी बल्लेबाज को चलने का मौका देते नहीं हैं। तो कुल मिलाकर के ये मैच गर्म जोशी वाला मैच, 440 झटका वाला मैच हम देखने चल रहे हैं, यानी कि ग्रैंड फिनाले। कुछ ही क्षण बाद हमें चैंपियन मिलेगा। क्या नया चैंपियन आरती एंड तिरुपति जो उम्मीद के साथ आई थी इस टूर्नामेंट में, क्या उसे हम चैंपियन बनते हुए देखेंगे, या फिर से एक बार जो दोहरी इतिहास को दोहराने के लिए उतर रही है टीम एंजल कोलकाता। सभी कैमरा पर्सन अपने अपने एंगल से लेकर के तैयार है टेलीविजन स्क्रीन पर बेहतरीन फोटोज देने के लिए। आइस रॉकर्स लाइव स्ट्रीमिंग लगातार 3 दिन हमारे साथ और आपके साथ अपने अपने स्मार्टफोन पर बने हुए थे, देख सकते हैं बिग एलईडी पर इस वक्त तमाम दर्शक गणमान व्यक्ति विशेष तथास्थ मूल मंच पर विराजे हैं। वहीं राइट हैंड बैट्समैन इस वक्त प्रकाश प्रसाद तैयार है नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर। हालांकि सायोन सलामी जोड़ी आरती एंड तिरुपति की ओर से आई है। पप्पी तैयार, पहली गेंद फाइनल मैच की, यस पहली गेंद पर बैंग ऑन द टारगेट के लिए क्लियर किया है, आते ही 6 रन का छाप छोड़ा है। इस 6 रन के साथ अकाउंट ओपन हुआ आरती एंड तिरुपति टीम का।
कट लेकर के पीछे की तरफ, हालांकि फरदीन थोड़ा सफल करते तब तक कि गैप से निकल गई थर्ड मैन क्षेत्र। ये खिलाड़ी बर्धमान स्थित खेलने आता है, तब तब ये विकेट, ये मैदान, ये शहर उसके लिए फेवर करता है, उस खिलाड़ी के लिए। लकी शहर में से माना जाता है बर्धमान का शहर, हार्ट ऑफ बर्धमान, प्रकाश प्रसाद। थोड़ा चेंज ऑफ पेस देखने को मिला, अंदर रखी थी गेंद, ऑफ स्टंप की, ये गेंद को सम्मान दिया, अच्छी गेंद को। हालांकि एक खब्बू बल्लेबाज, रन मशीन कहे जाने वाले उस टीम के, देखे आज रनों की बारिश करनी होगी, क्योंकि प्रतिद्वंदी टीम में वे जानते हैं एक से बढ़कर एक सितारे हैं। हालांकि आज पहले बल्लेबाजी जब टॉस करके मन बनाया है करने के लिए, तो विशाल लक्ष्य खड़ा करना होगा। ये शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, बिल्कुल ऐसे हुक और पुल किया जा रही है, पावर ओवर का खेल चलता हुआ। टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का मन बनाया था, आरती एंड तिरुपति बनाम एंजल इस वक्त फील्डिंग करते हुए नजर आ रही है। अगली गेंद तैयार, हालांकि बिहाइंड द विकेट कीपर फरदीन काजी क्लोज आए जरूर है। चेंज ऑफ पेस दिखाया था, स्लैग स्वीप करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पहले ही बल्ला भांज गए भूटान। एक और बिंदी गेंदे, कुल मिलाकर के पांच गेंदों का खेल हमने देखा। पहले ओवर से 16 रन इस वक्त स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। क्या टारगेट लेकर के आई है टीम, वे ही जानते हैं क्या गेम प्लानिंग है, लेकिन इस वक्त नेम बनाएगा गेम। यस, सीधे बल्ले से खेला, ऑन साइड पर रखा है, खिलाड़ी भाग रहे हैं। हालांकि अच्छा थ्रो आया, तब तक की सेव वहां पर ही हमने देखा। शौगत मन्ना दौड़ करके तीन रन सेव किए हैं। कुल मिलाकर के पहला ओवर का खेल संपन्न हुआ, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन बने हैं। हालांकि इस विकेट में हमने देखे, पहले दिन रमेश मायर आशीर्वाद खड़गपुर की टीम से खेल रहे थे, तो 85 रन जोड़ डाले थे अपनी टीम के लिए। और उसके बाद प्रिंस ऑफ मुर्शिदाबाद यानी कि जॉन्टी सरकार का बल्ला गरजा था, 87 रन का नॉक खेले थे, वे भी हमने देखे। और कई ऐसे अर्शतक जरूर लगा है इस मैदान से और इस विकेट से, यानी कि भलीभांति जानते हैं खिलाड़ी किस प्रकार से खेलना है और सिचुएशन के अनुरूप ढलना इन्हें अच्छी तरीके से आता है। जब जब शॉर्ट फॉर्मेट का क्रिकेट सस्ता है, तब तब सिचुएशन के अनुरूप ढल जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं क्रिकेट में ना कद बड़ा ना पद बड़ा, जरूरत के मौके पे जो खड़ा वही बड़ा। और आज जरूरत दोनों टीम के लिए है, चैंपियन की होड़ है और एक चैंपियन बनना है, क्योंकि हमारे मुखिया विधायक जी खोकन दास महाशय जो मंच सजाया है, और आज सरपंच को चुनना है, एक मुखिया को चुनना है। हालांकि नई टीम आरती एंड तिरुपति इस सीजन में नहीं आई है, और एक नए चेहरे को लेकर के, क्या राजस्थान के खिलाड़ी को लेकर के पैकअप की है, आद्रा पुरलिया के खिलाड़ी यानी कि लोकल बॉय भी धमाका के साथ एंट्री हुई है, बेहतरीन एंट्री हुई है। लेट आई है टीम, लेकिन धमाकेदार एंट्री हम देख रहे हैं, इस वक्त फाइनल में टीम पहुंची है। हालांकि इमरोज को लगाया है गेंदबाजी के लिए कप्तान साहब, सेमीफाइनल में बेहतरीन गेंदबाजी किए थे इमरोज, नकीतुली गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। यस, बहुत सुंदर ये शॉट, नजाकत और ताकत के
हालांकि इस छक्के के 7 रनों में जरूर इजाफा हुआ स्कोर कार्ड में, कुल मिलाकर के 23 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर है भूटान, एक छोर से रनों की जो बारिश की आज गुंजाइश है। यस, इमरोज की विपरीत जाकर के बिल्कुल डीजे मैन भी सही जगह पर गाना को लगाया है। जम के रखना कदम, क्योंकि ये है विधायक कप, यानी कि 2023 एमएलए साहब का ये कप है और हमारे बीच मौजूद है। देखिए, ऐसे मैचेस को देखने के लिए दर्शक भी लाइव इस वक्त एक्सक्लूसिव लाइव लेकर के आ रही है। आइस रॉकर्स अपने अपने टेलीविजन स्मार्टफोन पर मौजूद है। हालांकि भूटान फायर, जो उनकी बल्लेबाजी, ये शहर उनके लिए फेवर करता है और आज बड़ा मैच, बड़े पैमाने का खिलाड़ी फिट बैठ रहा है। भूटान मैन ऑन फायर। रिवर्स खेलने का कोशिश था, बिल्कुल सटीक, लेकिन पहले ही बल्ला भांज गए थे। ये चतुराई भरी गेंदबाजी के साथ साथ चतुराई भरी बल्लेबाजी भी देखने को मिल रही है। क्या जुगलबंदी है गेंद और बल्ले के बीच में, एक अच्छा क्रिकेट कहेंगे हम क्रिकेट के दृष्टिकोण से, क्योंकि दर्शक ऐसे क्रिकेट को देखने के लिए ठंड के माहौल में स्टैंड मूड में खड़े होकर के वाच कर रहे हैं। बिल्कुल वाच किया, उसके बाद आफ्टर दैट से 4 रन। ये देखे पिनाकी पांडा इस 4 रन के साथ रन संख्या बढ़कर के 33 पर जा पहुंचा है। हालांकि दूसरा ओवर प्रगति पर है। पहले ओवर में हमने देखे थे 17 रन बने और उसके बाद दूसरा ओवर चलते ही ना चलते ही रन मशीन चल पड़े हैं। बिल्कुल अच्छा कमबैक किया इमरोज, यहां पर ही एक अच्छी गेंद को रखा ऑफ स्टंप में। हालांकि पहले ही बल्ला खेल गए थे भूटान, जिस वजह से एक बिंदी गेंद आई। हालांकि थोड़ा हरकत जरूर हुआ है उस गेंद पर और बरकत प्राप्त करते हुए इमरोज खान, एक बेहतरीन भारत टेनिस जगत क्रिकेट के गेंदबाज इमरोज। इमरोज का इंपैक्ट था लेकिन आद्रा का ये पावर। उस छक्के के साथ रन संख्या बढ़कर के 39 पर जा पहुंचा है। देखिए, 2 ओवर का खेल खत्म हुआ, रन संख्या 39। हालांकि बिना कोई क्षति के साथ एक बेहतरीन बल्लेबाजी की मुजाहरा पेश करते हुए देखी जा रही है। नई टीम कैसे खेल रही है, इन एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस के साथ जुड़ी हुई है, जबकि प्रतिद्वंदी टीम एंजल कोलकाता सामने है, बेखौब होकर के खेल रही है। अब मैं बुलाना चाहूँगा मेरे साथी आइकॉन कॉमेंटेटर, यानी कि मिस्टर भास्कर, वॉइस ऑफ खड़गपुर। थैंक यू शक्ति। आप देख रहे हैं फाइनल मुकाबला, जब तक 39 रन बने 2 ओवर में और शानदार पार्टनरशिप चल रही है। 2 बल्लेबाज दोनों ही सक्षम है, बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त स्ट्राइक पर, बोलर पपिलवाना। ऑफ ड्राइव किया है, तेज आए गेंद पर, डायरेक्ट हिट हुआ, यस, ये रन आउट के रूप में पहला झटका। हमारे सायन जो है दिखा रहे हैं, बहुत ही शानदार सिंगल स्टंप्स पर जा लगी है,
कमाल की ये फुटेज, ग्रेट वर्क आइस रॉकर्स की, सीधा प्रसारण रथला मैदान से, जो कि बर्धमान दक्षिण एमएलए कप आप देख रहे हैं, चौथे वर्ष, शानदार शमास बांध रखा है ये फाइनल में। तकरीबन 16 टीमें ये देख सकते हैं अभी इस वक्त। मैन फ्रॉम पुरुलिया, जो कि आद्रा इनका होम टाउन है, दाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर। और यहां पर जोखिम जहां तक जाना होगा, और वहीं दूसरा झटका लगा है आरुति तिरुपति की टीम। एक मजबूत सशक्त टीम के रूप में उभर कर आई है इस फाइनल के दौरान। वहीं एंजल कोलकाता, गत सीजन की जो है चैंपियन टीम, इस सीजन में भी अपने आप को इस प्रतिस्पर्धा में आगे लेकर आए हैं फाइनल में। ये देख सकते हैं सारे दर्शक गण बैठे खड़े हैं, ठंड के माहौल पर मैचेज वॉच कर रहे हैं, देख सकते हैं। ये आनंदमय वो क्षण है जो जिसको 2023 का ये संस्करण ऐतिहासिक क्षण रहेगा। और पप्पी लोहाना हैप्पी मोमेंट लेकर आए हैं टीम के लिए। बाहरी किनारा, वहाँ थर्डमैन को थोड़ा ऊपर रखा, फील्डिंग कुछ डिफरेंट देखने को मिली है। टीमें आपस में भिड़ती है, कोई एक ही टीम चैंपियन बनती है, लेकिन कॉन्टेस्ट सभी के लिए बराबर। एक बार फिर हाईवे प्रांत से ऑफसाइड द ऑफ स्टंप, जो कि वाइड बॉल का इशारा किया। और आई थिंक रिव्यू के लिए इशारा किया है, अब थर्ड अंपायर की ड्यूटी रहेगी। हमारे कल्याण सर जो है इस वक्त वॉच करेंगे। ऑपरेटर हमारे आइस रोकर के जो सायन व्यस्त हैं, उनके लिए ड्यूटी बंधी है। प्रतीक्षा हो रही है ग्राउंड पर की डिसीजन ये क्या है। इस वक्त कंफर्म कर लेना चाहते हैं और एक बार देखना चाहते हैं। इस टूर्नामेंट में टेक्नोलॉजी का जो सहायता है वो निरंतर लेता गया, क्योंकि किसी के लिए भी कोई बारीक भी जो है फेवर इन फेवर में ना हो, और इसके लिए ही जाने जाती है हमारे। और ये डिसीजन फेयर है, कुल मिलाकर पप्पी लोहाना अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार रोक नहीं सकेंगे, क्या जबरदस्त छक्का, मजेस्टिक शॉट, सिक्स रन। क्योंकि एक एक शॉट, एक एक रन कीमती है दूसरी पारी के लिए। और वैसे छक्के के बाद जो है गेंद जो है भ्रमण के लिए गई है, जब तक कि लास्ट बॉल रिमेनिंग
इस ओवर की जो आखिरी गेंद अभी डाला, 45 पर दो स्कोर इस वक्त देख रहे हैं, 45-2। देखते देखते तीन दिन का ये खेल फाइनल ग्रैंड फाइनल की ओर बढ़ चला, जो कि पहला सत्र का खेल चल रहा है इस वक्त। तीसरा ओवर, पपी लुआना गेंदबाजी कर रहे हैं, तन्मय स्ट्राइक पर। फिर से एक बार बैट लाइन वाली गेंद को बहुत शानदार तरीके से एडजस्ट किया, 6 रन में तब्दील। इक्यावन स्कोर इस वक्त, 51 दो विकेट के नुकसान पर, जबकि ओवर नंबर 3 जो है समाप्त हुआ। 17 के औसत से बल्लेबाजी देख रही है इस वक्त बोर्ड जो दिखा रहा है, 17 रन प्रति ओवर बल्लेबाजी का औसत। दो विकेट खोए हैं, विकेटों की यहां पर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। और मार्किंग के लिए कॉल कर रहे हैं प्लीज़ हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के टेक्निकल स्टाफ हैं, प्लीज़ ग्राउंड पर जाएं, चुनगुल एक टू निये जावे तातड़ी, लाइन लाइन दी तो हो क्रीजर ऊपरे, इमीडिएट जावे। सत्रह के औसत से बल्लेबाजी आई हानुन अरुण, जो कि आपसे मैं जब तक कि खेल थोड़ा रुका हुआ है, प्रेडिक्ट क्या कहता है? मिनिमम 100 से अधिक रन तो बनने चाहिए, क्योंकि अपने पिछले दोनों ही सेमीफाइनल देखे, दोनों में ही 100 से अधिक रन बने भास्कर, तब जाकर के मैच जो है कि एक बेहतरीन मैच बना। हालांकि पिछले मैच में आरोति तिरुपति टीम के क्या टीम ने 124 रन बनाए थे और उस लक्ष्य का पीछा करते हुए पिछड़ गई थी टीम। दूसरी तरफ एक सशक्त मजबूत टीम मानी जा रही थी पायल मल्टीप्लाजा, और कुछ उसी प्रकार का लक्ष्य का जो है कि अनुमान लगाए होंगे इस समय जो है कि उनके टीम आरुति तिरुपति, क्योंकि टॉस जीतने के बाद फिर से एक बार बल्लेबाजी करने का फैसला भी लिया था कैप्टन इंद्रो ने। तो ये सारी चीज़ें जो है कि बताती है। और जो मेन एंट्री है ग्राउंड के अंदर, ग्राउंडेर भेतरे ढोकार जो रास्ता आज वोटा एक खाली कर रखबें, ग्राउंडेर भेतरे जावर जो रास्ता आछे ओटा के एक खाली करे रखबें जी। लगभग 100 से तो अधिक रन होने ही चाहिए भास्कर। हाँ, प्रेडिक्ट 125 130 तो बोर्ड दिखता है, इससे अधिक यदि होता है तो फिर बोनस कहलाएगा। जो औसत है 17 रन प्रति ओवर, फिर भी इस और औसत को पकड़ने पर 130 के आसपास तो बन ही जाते हैं। बट यहाँ पर खेल क्रिकेट का है, अनिश्चितताओं का खेल है। चौथे ओवर बॉलर शशि, फुल टॉस, लो फुल टॉस रही और दो फील्डर के बीच से डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र पर ये, जो कि अभी तक सिग्नल नहीं दिया अंपायर, वेट। 4 रन, क्योंकि जब तक हेलीकॉप्टर चलाया फॉलो थ्रू में फील्डिंग बहुत अच्छी रही, रन सेव किए यहां पर, लेकिन छोर बदल लिए दोनों बल्लेबाज। इस मैच को संचालन कर रहे हैं दो मंझे भी अंपायर, पिनाकी पांडा सर, पिनाकी धिंदा सर। पिछले 3 दिनों से हमारे पैनल्स के 4 अंपायर, चूंकि कल्याण हल्दर सर, शांतनु दे सर, ये सभी मैच ऑफिशियल। ये गेंद बहुत सुंदर जगह पर पड़ी और वैसे देखते रहे बैट्समैन, एक स्लिप जो कि पॉइंट जो है एक खिलाड़ी, डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र पर एक खिलाड़ी, ऑन साइड पर खेल दिया, बहुत शानदार लंबी दूरी तय की है।
वन एमएलए कप फाइनल डे. व्हाट ए वाइब्रेंट डांस ऑफ द ग्रेट पिनाकी पांडा. सब कुछ एंटरटेनमेंट के लिए. रन संख्या 62. इस पार बल्ले पर सही रूप से संपर्क नहीं हुआ. आधे दूर जब तक ओ माय गॉड. यहां पर यदि कलेक्ट कर पाते थोड़े से क्लोज. बाल बाल बचे वहां पर. बल्लेबाज आशाएं बिल्कुल छोड़ दी थी. एनीवे भाग्य बल्लेबाज के पक्ष में. चौथा ओवर प्रगति पर. इसके बाद भी चार ओवर बचे हैं. अब तक 62 रन दो विकेट खोकर. 62 रन दो विकेट मिनिमम है मुहूर्ते अपना रिडक्शन स्कोर. रैक टू द ऑफसाइड ओवर कवर. दैट्स ए फिनोमिनल 6 रन. अड़सठ रन दो विकेट खोकर. जबकि चार ओवर समाप्त हुए. और जहां तक आगे जो कि कमेंट्री में परिवर्तन हो रहा है. शरीफुल सर आ रहे हैं. स्वागत है. नमस्कार. फिर आसी धारावाहिक कक्षे. हमें शरीफुल माला यही मुहूर्ते किन्तु बर्धमान सह बर्धमान शहर सह पुरो डिस्ट्रिक्ट बर्धमान क्रिकेट जोरे काबू. ग्रैंड फाइनल चैम्पियंस दल के 3 लाख टाका এবং সুদীশ্বর ট্রফি. রানার্স টিমকে 2 লক্ষ এবং সুদীশ্বর ট্রফি এবং ম্যান অফ দ্য সিরিজকে 50,000 টাকা. সুতরাং বিরাট একটা মেঘা টুর্নামেন্টের গ্রেট ফাইনাল এই মুহূর্তে. 4 ওভার শেষ. 68 2 উইকেট হারিয়ে. ওভার নম্বর 5 ফার্স্ট বল বোলিং মার্গে ইমরোজ. শেষ মুহূর্তে ফেস ওপেন করেছিলেন, স্ল্যাশ করেছিলেন অ্যান্ড ফাইন্ডস দ্য ফিল্ডার. সুতরাং সেখান থেকে তো কামব্যাক করতে হবে, একটা পার্টনারশিপ তৈরি করতে হবে. কারণ প্রতিপক্ষ অ্যাঞ্জেল কলকাতা দলের লম্বা ব্যাটিং লাইন আপ রয়েছে. সেখানে কিন্তু একগুচ্ছ তারকা খেলোয়াড় রয়েছে. সেখানে জগৎ সরকার রয়েছে, সৌগত মান্না রয়েছে, সাগর আলী, ধোনি, শুভজিৎ জানা রয়েছে, পুটু সাহা, ফরদিন কাজী. তো সেক্ষেত্রে একটা লম্বা ব্যাটিং লাইন আপ কোনো সন্দেহ নেই. তো সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা বড় টোটাল দিতে হবে. ফাইনাল ম্যাচ চাপ থাকবে. কমপক্ষে 8 ওভারে 140 রান একটা টোটাল খাড়া করতে হবে. এই মুহূর্তে এসেই কিন্তু ব্রেক থ্রু দিয়েছেন দেখতে পাচ্ছি. এই মুহূর্তে দ্বিতীয় ওভারের ব্যক্তিগত কোটার. তো ইমরোজ দৌড় শুরু করবেন. এখানে স্কোয়ার ড্রাইভ লেট কাট খেলেছেন এবং ডিপ ফাইন লেগে বল ডিপ থার্ড ম্যান অঞ্চল থেকে ফেরত আসবে. একটা মাত্র রান. ইমরোজ দুরন্ত স্টার্টটা করেছেন. প্রথম ওভারে 22 রান খরচ করেছিলেন, একটু এক্সপেন্সিভ হয়েছিলেন. গত প্রিভিয়াস টু ডেজ যেখানে ঝাড়গ্রামে দুরন্ত বল করেছিলেন, যেখানে ম্যাচকে রিকভারি করে বেশ করে সেমিফাইনালের মতো ম্যাচকে জয় ছিনিয়ে এনেছিলেন ইমরোজ. তো ইমপ্রেসিভ বোলিং প্রথম ওভারে. কোটার প্রথম ওভারে 22 রান খরচ করে একটা এক্সপেন্সিভ ওভার এবং কামব্যাক করেছে তার কোটা দ্বিতীয় ওভারে. দল পৌঁছে যাবে 69 3 উইকেট হারিয়ে. হরিত্র অ্যান্ড তিরুপতি দল এক্ষেত্রে ইনসাইড আউট. দেখতে হবে বল কোথায় যায় এবং ছয় রান.
75/3 অস্টাম্পের একটু বাইরে ছিল সেখান থেকে ফুল অফ লেন্থ একেবারে সঠিক সময়ে বল এবং ব্যাটের উপর দুর্দান্ত একটা কানেক্ট বলবো সুইট কানেক্ট অল দ্য ওয়ে অ্যান্ড গন ফর সিক্স রান সংখ্যা 75 নেক্সট বল অন স্ট্রাইক তনুময় এখানে অ্যাক্রস দ্য ব্যাট স্লগে গিয়ে চেষ্টা করেছিলেন গ্রেট কাম ব্যাক আফটার দ্য সিক্স এক্ষেত্রে ইমরোজকে দাগ দিতে হবে প্রথম ওভারে কিন্তু 22 রান খরচ করেছিলেন একটু এক্সপেন্সিভ হয়েছিলেন তারপরে কিন্তু কাম ব্যাক করেছেন পাপ্পি লোয়ানা সেও কিন্তু প্রথম ওভার এক্সপেন্সিভ হয়েছিলেন 70 রান খরচ করেছিলেন তার কোটা দ্বিতীয় ওভারে 12 রান দু ওভারে পাপ্পি লোয়ানা 29 রান খরচ করে একটা উইকেট তার নামের পাশে অফ ড্রাইভ এক্ষেত্রে পেছনে রয়েছে সৌগত মান্না রিভার্স কিং দ্য ম্যান ফ্রম মহিষাদল এবং অবশ্যই দেখতে হবে যে স্কোর কোন জায়গায় পৌঁছায় প্রতিপক্ষ দল কিন্তু অবশ্যই একটা তাদের ব্যাটিং লাইন আপে একটা স্ট্রেংথ রয়েছে অ্যাঞ্জেল কলকাতা শুধু বাংলা নয় ভারতীয় টেনিস ক্রিকেটের একটা বড় নাম অ্যাঞ্জেল কলকাতা দল নেক্সট বল এবং এখান থেকে রানের জন্য তো হারটা খুলল ইরফান যেখানে দু বল থেকে পৌঁছে যাবে ব্যক্তিগতভাবে 7 রানে অপরদিকে 31 রানে ব্যাট করছেন তনুময় দলকে নির্ভর হতে দিয়েছেন একটা কমপক্ষে একটা এন্ড থেকে তিনি অ্যাগ্রেসিভ ব্যাট করছেন অফেন্সিভ ব্যাট করতে হবে এই মুহূর্তে 6 রান প্লিজ কন্টিনিউ অ্যাম্পায়ারের সিদ্ধান্তকে মান্যতা দেওয়া আমরা জানি যে ক্রিকেট গেম অফ জেন্টলম্যান তো প্রত্যেকটি অ্যাঞ্জেল কলকাতা দলে অনেক সিনিয়র খেলোয়াড় রয়েছে প্লিজ কন্টিনিউ তো এক্ষেত্রে আমরা দেখছি যেখানে এখান থেকে একটা কাম ব্যাক করেছে শুরুতেই ভালো শুরু ভুটানের হাত দিয়ে তারপরে একটু হলেও কিন্তু দুই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি পঞ্চম ওভারের পরিসমাপ্তি হল 82 লস অফ 3 তো এখানে কিন্তু পিটি জনসনকে আনা হচ্ছে তো পিটি জনসন যথেষ্ট গতি সম্পন্ন লেফট আর্ম বোলার যথেষ্ট পেস রয়েছে এবং পেস তার অস্ত্র এটি কিন্তু ওভারের প্রথম বল নিয়ে লম্বা দৌড় শুরু করবেন ফেস করবেন তন্ময় স্লগে গিয়ে এবং ফ্ল্যাট এখন তো দেখতে হবে এখানে 6 রানের সংকেত প্রথম বল থেকে আক্রমণ এবং সেখান থেকে চমৎকারভাবে একেবারে স্লগে গিয়ে অ্যাক্রস দ্য লাইন খেলেছিলেন এবং সুন্দর কানেক্ট বল চলে গেল সীমানার উপরে কাউকানের উপর দিয়ে রান সংখ্যা পৌঁছে যাবে 88 3 উইকেটে এটা ভালো স্কোরের দিকে দ্রুত ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে অরিত্র অ্যান্ড ত্রিপতি দল আপনারা দেখছেন বর্ধমান দক্ষিণের অনারেবল বিধায়ক মহাশয় যার নেতৃত্বে বিশেষ খকন দাস মহাশয় তার নেতৃত্বে চলছে বর্ধমান দক্ষিণ ডে নাইট এমএলএ কাপ 2023-এর সিজন 4 রতলা গ্রাউন্ড গত 23 বিশেষ করে ডিসেম্বর যার শুভ সূচনা হয়েছিল আজ যার গ্র্যান্ড ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স দলকে 3 লক্ষ টাকা রানার্স টিমকে 2 লক্ষ সুদৃশ্য ট্রফি এবং ম্যান অফ দ্য সিরিজ 50,000 টাকা এই মুহূর্তে ম্যাচ পরিচালনা করছেন দুই অফিসিয়াল পিনাকি দিন্দা এবং পিনাকি পণ্ডা তবে চাপ থাকবে এই মুহূর্তে পিটি জনসনের উপরে কারণ প্রথম বল থেকে তনুময় যে শটটা খেলেছেন পৌঁছে গেলেন 12 বল থেকে তনুময় 37 অন স্ট্রাইক তনুময় নেক্সট বল
এখানে কিন্তু অস্টাম্পের একটু বাইরে কানেকশনটা হলো না। এক্সেলেন্ট কামব্যাক, গ্রেট কামব্যাক, সুপার বল ফ্রম পিটি জনসন। রান সংখ্যা যা ছিল তাই 88, 3 উইকেটের বিনিময়ে। আপনারা দেখছেন মহা ফাইনাল, সুমিষ্ট সাউন্ড, নন্দী সাউন্ড, লাইটিংয়ে রমেশ, ধন্যবাদ জানাবো। পরের বল ইনসাইড আউট, এক্সট্রা কভার উপর দিয়ে বল, ফিল্ডসম্যান রয়েছেন, ক্লিয়ার স্বরূপ। আমি বলবো, আমি আগেও গতকাল সেই বিশ্লেষণ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম কমেন্ট্রি বক্স থেকে শেরিফুল মাওলা, কারণ যে কোনো ধরনের বলকে পিটি জনসন, পিটি জনসন মতো বোলারকে যেভাবে শর্ট খেলা হচ্ছে তা কিছুটা অসহায় মনে হচ্ছে বোলারদের, কারণ এটা স্পোর্টিং উইকেট। আমি বারবার বলেছি যে পিচ ক্রিকেটার শেখ রাহুল যে পিচটা দিয়েছেন উপমহাদেশ তথা ভারতীয় উইকেট। এক্ষেত্রে পুল করেছেন স্কোয়ার অফ দ্য উইকেট, থ্রো অন সাইড, বল যাবে একেবারে হাওয়া এবং মাত্র বাইরে। তো এক্ষেত্রে আফটার দিস টু ওভার রিমেনিং, নির্ধারিত 8 ওভারের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। প্রোডাক্টিভ ওভার, 4 বল থেকে 18 রান খরচ করেছেন পিটি জনসন, তো একটা এক্সপেন্সিভ ওভার, তো সেখান থেকে কামব্যাক করতে হবে পিটিকে। অপর দিকে একের পর এক কিন্তু বল মাঠের বাইরে পাঠাচ্ছেন, ওদিকে আবারও কিন্তু অলমোস্ট সিমিলার শট, থ্রো অন সাইড এন্ড গোস ফর ম্যাক্সিমাম, কাপ কোটার উপর দিয়ে রিয়াজ করছেন না। ওভার ফিনিশিংটা কিন্তু দুরন্ত হয়েছে পিটির হাত দিয়ে, একটা মাত্র রান। তো এই মুহূর্তে ষষ্ঠ ওভার, ওভার নাম্বার 6 ইজ গন, 6 ওভার শেষ, দলীয় রান সংখ্যা 107, 3 উইকেটে। আপনারা দেখছেন যেখানে বর্ধমান দক্ষিণের অনারেবল বিধায়ক মহাশয় খকন দাস যার অনুপ্রেরণায় এবং শুভ দাস যার পরিচালনায় চলছে বর্ধমান দক্ষিণ ডে নাইট এমএলএ কাপ 2023 সিজন 4, তো অসম্ভব সুন্দর একটা পরিবেশ, রাজ্যকে দেশকে ছাড়িয়ে যেভাবে এই টুর্নামেন্ট অসংখ্য মানুষের হৃদয় স্পর্শ করবে, আমরা আমাদের প্রাণভোমরা টুর্নামেন্টের প্রধান পৃষ্ঠপোষককে আরও একবার ধারা বিবরণী কক্ষ থেকে আমি শেরিফুল মাওলা এবং প্রত্যেকটি দর্শক সাধারণ পক্ষ থেকে ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা এবং অবশ্যই স্যালুট জানাই। প্রত্যেকটি দর্শকের গৌরবময় উপস্থিতি, গত 3 দিন যেভাবে কোঅপারেট করেছেন, সহযোগিতা করেছেন, আপনাদের ভালোবাসা আশীর্বাদ সমস্ত কিছুকে নিয়ে কিন্তু এই টুর্নামেন্টে এগিয়ে চলা। তো এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি ধারাবিবরণের পক্ষে একটা পরিবর্তন হবে, কমেন্ট্রি বক্সে আমার সঙ্গে রয়েছে অবশ্যই অরুণ, ভাস্কর এবং শক্তি, এবং আই অ্যাম শেরিফুল মাওলা, নতুন করে আসবে অরুণ, টেক আপ দ্য কমেন্ট্রি প্লিজ অ্যান্ড গো হেড। থ্যাংক ইউ শেরিফুল জি। এসবক্ত 7वां ओवर प्रगति पर गेंदबाज शशि अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर और इस पारी का 7वां ओवर प्रारंभ कर रहे हैं। 107 इस वक्त जो है कि स्कोरबोर्ड दिखा रहा है। फुल टॉस गेंद नहीं बक्सेंगे क्योंकि रात के वक्त में गेंद फुट
से ये बिल्कुल तन मन धन लगा करके अपने टीम के लिए अर्जित कर रहे हुए रन है, क्योंकि टीम ये एक साथ सजी है अरित्रो तिरुपति एकादश। अरित्रो तिरुपति एकादश बहुत सशक्त मजबूत बल्लेबाजी के साथ आई, वहीं गेंदबाजी भी इनकी मजबूत है, तो इसके अनुरूप ही जो है कि टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करते हुए इस समय 113 कुल स्कोर जो है कि बता रहा। तन्मय ने कब अर्धशतक पार कर लिया किसी को पता भी नहीं चला। 62 रनों पर इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं तन्मय, 19 गेंदों का सामना करते हुए। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, स्पार्कलिंग शॉट्स जो है कि ऑल अराउंड द पार्क खेले बैट्समैन तन्मय। अगली गेंद शशि अपने बॉलिंग मार्क से, क्लब हाउस एंड से गेंदबाजी चल रही है लगातार। गति में परिवर्तन, पीछे की तरफ गेंद गति के साथ चली जा रही है लॉन्ग लेग अंचल पर, ये 4 रन चौके के लिए, छोटी बाउंड्री 4 रन। बल्लेबाजी के लिए अगली गेंद लेकर शशि इस वक्त बॉलिंग मार्क पर। गेंद कुल मिलाकर अच्छी वापसी, काफी देर के बाद एक बिंदु गेंद करने में सक्षम हुए गेंदबाज शशि। शशि हालांकि एक मजबूत कड़ी है इस टीम के, एंजल कोलकाता जो कि डिपेंडिंग चैंपियन टीम है, और इस टीम में ऐसे ऐसे सितारे हैं जो कि भारत के लिए विश्व के पैमाने पर चमकने वाले सितारे हैं, उसमें से जगत सरकार आज है उनकी टीम को दरकार। इस वक्त शशि है गेंदबाजी क्रम पर तैयार अगली गेंद लेकर। ऑन साइड के जानिब खेला है, खिलाड़ी नीचे हैं लेकिन थोड़े से सेविंग्स के लिए गए यहां पर, जहां तक सांटू खलसा है फील्ड्समैन, और निश्चित तौर पर टीम के लिए 3 रन तो जरूर रोके हैं शांटू, और इस सिंगल के 7 रन संख्या बढ़कर 118 पर जा पहुंचा। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, संपर्क कुछ खास नहीं, नतीजन बिंदी गेंद। इसी के साथ ओवर नंबर 7वां समाप्त हुआ। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 118 रन 3 विकेट खोकर, आप सभी देख पा रहे हैं बर्दवान दक्षिण एमएलए कप 2023, ये ऐतिहासिक मैदान रतल्ला का ऐतिहासिक मैदान में ऐतिहासिक टूर्नामेंट अपने चरम पर आज जा पहुंचा है। फाइनल मुकाबला चलता हुआ एंजल कोलकाता और अरित्रो तिरुपति एकादश के बीच ये मुकाबला चल रहा है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बारी बारी कर, जितने लोगों ने भी इस टूर्नामेंट को सजाने संवारने और निखारने में हमारे साथ सहयोग किए। लाइटिंग के लिए रतन लाइटिंग्स बहुत बहुत धन्यवाद। साउंड सिस्टम जिसके माध्यम से आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, नंदी साउंड सिस्टम इस अंचल की सुप्रसिद्ध साउंड सिस्टम्स में से एक, और ख़ास तौर पर विशेष धन्यवाद जो कि माननीय बर्दवान दक्षिण के विधायक सर जो कि खुकुन दास महाशय और उनके सुपुत्र जो है कि शुभो दास, जिनके तत्वदान में ये टूर्नामेंट वर्ष दर वर्ष चमकदार प्रदर्शन और चमकदार चमकता हुआ आज ये वर्ष जो है कि 3 दिवसीय 3 रात्रि के रूप में ये टूर्नामेंट परिणित हुआ। इस वक्त कुल स्कोर जो है कि 118 3 विकेट खोकर 7 ओवर की समाप्ति के बाद, अब शेष 6 गेंदें बची हैं, देखना है कौन सा लक्ष्य रख पाते हैं पीटी जॉनसन। ऑफसाइड द ऑप्शन, अच्छी गेंद चूक हुई वहां पर, विकेट कीपर से बाई का संकेत, एक जो है कि रन जुड़ा और प्रेडिक्शन बिल्कुल सही जाता हुआ 120 से अधिक रनों का, 119 जो है कि अब तक बन चुके हैं 7.1 ओवर में, जबकि पीटी जॉनसन अंतिम ओवर लेकर और अपने कोटे का दूसरा ओवर। अगली गेंद ऑफ साइड द ऑफ स्टंप, बिल्कुल गति में जो है कि वेरिएशंस विविधता
लाने में सक्षम हो रहे हैं गेंदबाज पीटी जॉनसन। वहीं इस नाम से याद आता है मिथल जॉनसन जो कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी काफी जबरदस्त इस वक्त पीटी जॉनसन। ओहो क्या गजब की गेंदबाजी, ब्लाइंड हो गए वहां पर विकेट कीपर पुटू शाह भी। फिर से एक बाई का संकेत, कुल मिलाकर इक्के दुक्के रन्स के साथ इस अंतिम ओवर पर जो है कि पारी चल रही है। अंतिम का ओवर काफी वाइटल ओवर, 120 रन इस वक्त जो है कि 3 विकेट खोकर। बॉल के लिए कॉल कर रहे हैं इस वक्त, देख सकते हैं 120 रन 3 विकेट खोकर 7.3 ओवर जबकि समाप्त हुए, 8 ओवर्स की पारी निर्धारित हुई है। वाइटनर इस वक्त ये खेल चलता हुआ बर्दवान दक्षिण एमएलए कप 2023 3 दिवसीय 3 रात्रि ये टूर्नामेंट, आज फाइनल डे फाइनल मुकाबला चल रहा है इस समय एंजल कोलकाता आरुति तिरुपति एकादश के बीच। अंतिम ओवर गेंदबाज पीटी जॉनसन, प्रेडिक्शन सही है अरुण आपका बिल्कुल। अगली गेंद लोफुल टॉस गेंद, दो खिलाड़ियों के बीच में चीरते हुए निकल गई सीमा रेखा पार, 4 रन चौका। क्या गजब की बल्लेबाजी चल रही है आरुति तिरुपति एकादश जो है कि बेहतरीन सशक्त मजबूत टीम उभर करके आई है, जहां की लोकल गाइस के साथ मेहमान खिलाड़ी अंतर राज्य से भी इस टीम में शिरकत किए हैं। पीटी जॉनसन अगली गेंद लेकर, ऑफसाइड द ऑफ स्टंप, अच्छी गेंद जहां तक तन्मय प्रयासरत हैं अभी भी अपने टीम के लिए, कोशिशें कर रहे हैं लगातार। और यह रिवीव जो है कि वाइट के लिए, वर्धमान दक्षिण एमएलए कप 2023 आप सभी इसका सीधा प्रसारण देख पा रहे हैं आयुष रॉकर्स पर, सीधा आपके यूट्यूब और फेसबुक के जरिए आप सभी से जुड़ रहे हैं हम सीधे रतल्ला मैदान जो कि ऐतिहासिक ये अंचल वर्धमान दक्षिण का ये अंचल और जिनके तत्वाधान में ये टूर्नामेंट चल रहा है माननीय विधायक श्री कोकुन दास महाशय जी। बहुत सुंदर नज़ारा, शानदार पेशकश, जानदार आयोजन समापन की ओर ये टूर्नामेंट समा बांधा है। आज देख सकते हैं गण्यमान्य व्यक्ति विशेष मूल मंच पर और चमचमाती हुई ट्रॉफियां सुसज्जित हुई है आज इस फाइनल डे के मौके पर। इस समय जो है कि चेकिंग हो रही है वाइट गेंद के लिए, टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल जो है कि यहाँ हो रहा है राउंड ऑफ क्लॉज। और जहाँ तक ये फेयर डिलीवरी जो है कि घोषित की गई है बिल्कुल, क्योंकि आईसीसी रूल्स के तहत बल्लेबाज गेंद को चेस करते हुए नज़र आते हैं तो फिर जो है कि गेंद फेयर डिलीवरी होती है। पिनाकी पोंडा जो है कि स्टैंडिंग पोजिशनिंग अंपायर। अगली गेंद इस बार खोद करके खेला एग्रीकल्चर शॉट कवर के ओवरों की पहली पारी का समापन हुआ। निर्धारित 8 ओवरों की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या 131 रनों का लक्ष्य। वहीं अगर बल्लेबाजों देखने जाएं तो ओपनिंग के तौर पर आए थे भूटान और सायन कुछ खास नहीं कर पाए, शून्य पर आउट हुए रन आउट के रूप में। वहीं भूटान जो है कि 13 गेंदों पर 39 रनों की पारी खेले और उसके बाद नयूम कुछ खास नहीं 5 रन 3 गेंदों पर। वहीं तन्मय ने सशक्त मजबूती कर एक सिरे को जो है कि पकड़ करके रखा और 26 गेंदों में 77 रनों की पारी
नाबाद खेल करके गए, और वहीं इरफान जो है कि काम एंड कूल खेले, 5 गेंदों पर 7 रन। कुल ये एनालिसिस फर्स्ट इनिंग्स के, और वहीं हम इस वक्त देखने चलेंगे गेंदबाजी क्रम, जो है कि एंजल कोलकाता टीम के लिए इमरोज जो है कि 2 ओवर गेंदबाजी करते हुए 1 विकेट लेकर बिना कोई मैडन 36 रन 18 के औसत से, वहीं पपी लुहाना जो है कि 2 ओवर गेंदबाजी किए 1 विकेट लेकर 29 रन 14.50 के औसत से, पीटी जॉनसन 2 ओवर गेंदबाजी किए कोई मैडन नहीं कोई विकेट नहीं 35 रन 17.50 के औसत से, शशि 2 ओवर गेंदबाजी किए कोई मैडन कोई विकेट नहीं 28 रन 14 के औसत से, विकेट फॉल जो होगा पहला विकेट 39 रन पर, दूसरा विकेट 39 रन पर और तीसरा विकेट 68 पर। और ये एनालिसिस जो है कि हम तक भेज रहे हैं हमारे सुमन माइती जो है कि इलेक्ट्रॉनिक स्कोरर, और वहीं हमारे मैनुअल स्कोरिंग पर है कल्याण। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों को ही। कल्याण मित्रा जो कि हमारे साथ मैनुअल स्कोरिंग पर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। और सायन जो है कि हमारे in this hot and humid conditions right now in Bardhaman. It looks like winter, but it is not. And if Angel Kolkata want to chase 131, this man Jagat Sarkar have to speak with his bat. The man with the left-handed batsman, Jagat Sarkar, and he got the pocket dynamite size, Sougoutam Manna. And they are not done here. They got Putu Shaha, they got Santu Kalsa, the man Fadeen Kazi, and the very local guy, our very own Sagar Ali. If it looks like 130, it looks like huge, but it's not huge one for this team, Angel Kolkata. Ye sun raha hai is waqt local guy Rituraj Roy, jo ki
whom is taking the charge against the dynamite Shogoto Manna. It looks like a winter evening, but it is not. It's going to be hot and humid very soon. This looks like a packed up stadium. The first ball of second innings. Oh, that's a cheeky edge. That is a cheeky edge. And a lifetime for Shogoto Manna. It's going to be painful for Orithro 11 because it's they heard what they have missed. It's Shogoto Manna, not anybody else. That's Apesh. That is Apesh. Fielder under it. Can they take it here? The second chance, they didn't miss it. So the sting of low run continues for Shogoto Manna in the very knockout stage of this game. Shogoto Manna departs in the very first over. Orithro 11, they are giving their everything for the finals. And it's Angel Kolkata. It looks like a tense campaign over there. And the very next man is Pootu Shah, the local guy of Bardhaman. He's taking all the charge for his team in the final innings. ये आवाज़ सुन रहे हैं अंग्रेजी में इस वक्त ऋतुराज रॉय, जो कि ये प्रतिभा यंग गाय है, और ये आवाज़ सुन रहे हैं इस वक्त शानदार कमेंट्री, उनका स्वागत। ये टैलेंट छुपती नहीं है, देख सकते हैं कहीं भी कभी भी, आप सिर्फ वर्क करते रहे। और इस वक्त पहली सफलता बहुत जल्दी मिली है। पुटुसा टेकिंग स्ट्राइक, he's not only taking his strike, he's taking his reputation for Angel Kolkata. Pootu Shah, that was a cheeky, but he didn't connect it well. Goes to the square leg boundary. And here comes Jagat Sarkar. If Orithro 11 have to make it quick, they have to cut this man, Jagat Sarkar. But it's not that easy. It is Jagat Sarkar will take all his charge for Angel Kolkata. Bowling mark par is waqt. Six into the covers. That is not a six. विश्वास के साथ सुमित टेकिंग द चार्ज। ओ दैट्स अनदर वन, रिमेंबर द नेम जगत सरकार। जरूरत के वक्त जगत सरकार, जो कि कारों के कार है, जगत सरकार ब्रांड है, प्रिंस ऑफ तारकेसर कहते हैं आज गत वर्ष की चैंपियन टीम के सदस्य, और इस वर्ष भी फाइनल में खेलते हुए। That's gone straight to the fielder's head. And the finish off with the 13 runs in the very first over with the loss of one.
And what if they lost? They have lost Saugata Manna. But still many big names to come. स्थिति बॉलिंग में अंडर कंट्रोल है, देख सकते हैं एक विकेट खोकर 13 रन बनाए जो इक्वेशन है, और जब तक कि बॉलिंग में परिवर्तन हो रहा है और वहीं औसत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो औसत से बल्लेबाजी नहीं आए, सुदृढ़ संभल कर खेल रहे हैं। और पुटू शाह जो कि जगत सरकार के साथ एक बहुत ही बेहतरीन साझेदारी की तलाश में इस वक्त फ्रेश गार्ड ले रहे हैं, देख सकते हैं पुटू शाह राइट हैंडेड बैट्समैन, कमाल के बल्लेबाज, छुपा रुस्तम है, अंडरडॉग्स बहुत बढ़िया खेलते हैं। Here goes Shakir against Puttu. Here goes Puttu into the cover set. सभी के चहेते, अगर प्लेयर का फैंस फॉलोइंग है तो टूर्नामेंट का ग्लैमर है, तो हमारे पिनाकी पांडा सर एज एन अंपायर फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, डांसिंग अंपायर के रूप में बहुत ही सुप्रसिद्ध, क्योंकि वे हर दिल अजीज इंसान है। शाकिर विद सेकंड डिलीवरी and Puttu goes again, but he didn't connect it well. That is gone for a boundary. Choti boundary, 4 run. 10 come to the over till now. 4 balls to go. Puttu Shah will definitely try to make it big, as big as possible in the very initial stage of the second innings. As वक्त रनों में बढ़ोतरी हुई, 23 रन एक विकेट खोकर, 23 रन एक विकेट माथा है मूर्त दीक्षण अपना ग्रैंड फाइनल। दैट इनटू द लेग्स, अपीलिंग फॉर समथिंग सोर ऑफ द लेफ्ट हैंडर बैट्समैन सेट इन द फॉरवर्ड शॉट। इस वक्त 4,526 लोग व्यूअर्स जो हैं लाइव देख रहे हैं। That slashes and that's gone to this very offside of the ground. Puttu is a very regular customer of this ground. He knows that the very shortest side of the ground. If he connects it a little bit, it's gone for 4, and it has done it. The last two delivery rest for Shakir. He's not as successful as the very first over done by Sumit. He's trying his level best to make the runs as slow as possible, but it's Puttu Shah. Jagat Sarkar tempted for a strike. Here goes Puttu. That's a quick one. That's gone for 4. You cannot afford to miss a miss.
शानदार नज़ारा ग्राउंड पर, लुक जो है खिलाड़ी कलरफुल जर्सीज में। फाइनल मैच चल रहा है, हजारों की तादाद में आइस रॉकर्स के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट सीधा प्रसारण चल रहा है। रतला मैदान जो कि बर्दवान दक्षिण एमएलए कप के रूप में सुसज्जित चौथे वर्ष पर ये मैच ग्रैंड फाइनल का दूसरा सत्र चल रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। सफलता के लिए कोशिशें जारी है, दोनों टीमों में संघर्ष है। Pudu still struggling for a middle odd. And that's a good fielding. He have covered from square leg to fine leg. And Pudu will continue his strike for the third over. Something from the Angel team that Pudu have heard, and he will definitely do that. Aur is waqt commentary mein thodi parivartan ho raha hai, jab tak ki Ritu राज रॉय जो है साथ में लगेंगे, क्योंकि लोकल गाय है, उनके फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, और शक्ति हटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू भास्कर। फिर से एक बार नमस्कार वर्धमान, मैं कुमार शक्ति मैन फ्रॉम खड़गपुर मिनी इंडिया से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं भव्य स्वागत करता हूँ इस हाई वोल्टेज मैचेस को देखने के लिए। हजारों की संख्या में आइस रॉकर्स यूट्यूब चैनल पर दर्शकों की हुजूम लगी है। इस ठंड के माहौल में वर्धमान स्थित ईडन गार्डन से हम देख रहे हैं पहली गेंद हवा में उछाल खिलाड़ी मैन मौजूद, एक और विकेट का पतन होता हुआ बिग विकेट डिपार्ट्स। कैप्टन कोल जा रहे हैं वापस डकआउट की राह पर, हालांकि अच्छी गेंदबाजी कहेंगे। Doing everything for his team in the final round, in the very final session of the game. He's giving breakthrough as well in the very second over when he came. But things are going to be tough, because the more wicket fail for Angel Kolkata, the more destruction coming towards you for Aritra 11. They got Pudu Shah, but now they have to take Sagar Ali, and Jagat Sarkar still struggling for his strike. जी बिल्कुल, देखिए पहले सेमीफाइनल में हम देख रहे थे पहली गेंद पर जगत डिपार्ट्स हुए थे, लेकिन जीवन दान फाइनल में जरूर मिला सौगतो मन्ना को। दूसरी गेंद पर आउट होकर के प्रिंस ऑफ महिषादौल चले गए, लेकिन एक चोर को जगत बांध रखा है। अब बायां हाथ प्रिंस ऑफ मेमोरी जाने के बाद फिर से एक बार प्रिंस ऑफ मेमोरी यानी कि आली रे आली सागर आली। देख सकते हैं क्या क्रिकेट का ये महाकुंभ सजा है, और इस कुंभ में जो हमारे विधायक महाशय कुकुन दास ने चषक लगाया है, और ये चषक चल रही है, विधायक चषक देख सकते हैं मूल मंच पर। चैंपियन ट्रॉफी लग चुकी है और घूम रही है टेलीविजन स्क्रीन पर, आयुष रॉकर्स टेलीविजन पर हम देख रहे हैं। हालांकि सुमित लोकल बॉय, जब जब गेंदबाजों की कमी खली है तो ऐसे ऐसे गेंदबाजों की जो परिश्रम नेट में पसीना बहाने के बाद, और आज इस मंच में ऐसे गेंदबाजी, धुआंधार गेंदबाजी, रफ्तार के सौदागर सुमित। देखिए अच्छी गेंद को सम्मान दिया, पॉइंट पर रखा, डायरेक्ट थ्रो आएगी, लेकिन थोड़ी वाइड थी, इसे भी जगत दौड़ करके सेफ जोन पर एक रन के साथ चोर बदले हैं खिलाड़ी। कुल मिलाकर के 131 का पीछा करने के लिए टीम जब उतरे थे, हालांकि विकेट खोया है दो, जबकि स्कोर इस वक्त स्टिल 33 पर। क्या लगता है जी आपको आने वाले ओवर में किस प्रकार की धुआंधार बल्लेबाजी की गुंजाइश है? हालांकि दो छक्के जड़ करके अब भी अपने इरादा स्पष्ट किया है प्रिंस ऑफ तारकेश्वर, इंडिया के पोस्टर बॉय। आज फिर से एक बार पोस्टर बिल्कुल छपेगी वर्धमान के अखबारों में। यस, रिवर्स खेला, रॉकिंग, दैट्स गॉन फॉर फोर। एवरी सिंगल डे एंड एवरी सिंगल ओवर जगत सरकार इज गोइंग टू बी द किंग ऑफ टेनिस बॉल क्रिकेट in India. Guys, that his bat is speaking like a king, he's not a prince anymore. Maybe the prince standing in the non-striker end, that's Sagar Ali.
सुमित की अगली गेंद फुल टॉस थी, बिल्कुल हैंड आई कोऑर्डिनेशन। पोटी क्राउड 64,000 से भी अधिक दर्शक इस मैच को वाच कर रहे हैं। हाई वोल्टेज मैच जो हम देख रहे हैं, जो समा को बांधा है। हम सभी के चाहते विधायक महाशय खोकन दास के उद्योग में लगातार चौथा वर्ष और आज ग्रैंड फिनाले अंतिम मैच हम देख रहे हैं। इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षर में नया चैंपियन को लिखा जाएगा 2023। हालांकि गेंदबाजी में थोड़ी परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं सुमित, लेकिन कभी लो फुल टॉस गेंद को फटके पड़ रहे हैं तो कभी डायगोनल बॉल की रिसर्च में, अपने गूगल में रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी गेंद, दूर रखा था, जानते थे जगत इस प्रकार के शॉट खेलेंगे, पुल और हुक के महारत हासिल है उस बल्लेबाज को, लेकिन एक बिंदी गेंदे डाल करके अपने लाइन ऑफ लेंथ कर वापस खोज पाया है सुमित। हालांकि कमाल की ये गेंदबाज है, कलात्मक इनकी गेंदबाजी है, शैली इनकी गेंदबाजी है। वेट किया और नो बॉल को इंडिकेट किया, देखे जा रही है गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर से निकल जाएगी, एक और 6 रन जोड़ लिए हैं अपने वैगन व्हील में। हालांकि कह सकते हैं एक प्रकार से फ्री हिट की गेंद है और स्विच हिट के लिए इस बल्लेबाज की ख्याति है, उसके लिए जाने जाते हैं। जगत अच्छी गेंद, कम बैक किया, नकितुली गेंदबाजी, जो स्लोअर गेंद का यूज किया था सुमित। हालांकि बेहतरीन टीम जो उभर करके आई, आरती एंड तिरुपति उनके ऑनर और को मुखर्जी स्वयं मौजूद है, देख सकते हैं ड्रेसिंग रूम पर बैठे हुए हैं। और इसी के साथ ओवर संपन्न हुआ, कुल 3 ओवर खत्म हुए रन संख्या 50 पर, जबकि 2 विकेट खोया है टीम स्वागतो और पुटू के जाने के बाद। अब 30 गेंदों का खेल बचा है, 81 रनों की आवश्यकता है। क्या मैच के क्वेश्चन होगा, क्या पलड़ा किस तरफ जाएगा, ये जरूर हम देखेंगे। हालांकि जगत इस वक्त 8 गेंदों से 28 पर खेल रहे हैं, हालांकि 4 छक्के जरूर जड़े हैं और एक चौका, वहीं बखूबी साथ निभा रहे हैं सागर अली। 2 बायां हाथ काफ़ी क्रुशल बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं पूरे भारत टेनिस क्रिकेट में, लेकिन तारीफ करनी होगी आरती एंड तिरुपति की, जो नई टीम उभर करके आई है उनके ऑनर और को मुखर्जी ने जो हिम्मत दिखाया है, बड़े दलेर दिल के इंसान हैं और आज उनकी हिम्मत को दाग देनी होगी कि नई टीम को इस प्रकार से जोड़ा है, इस समा को जो हमारे विधायक ने बांधा है। थोड़ा चून डाल दीजिए, चून चून। ओके थैंक यू। हालांकि इस वक्त हमें लेडी नहीं मांगता, हमें माइकल नहीं मांगता, हमें पिनाकी पोंडा का डांस मांगता। तैयार है पिनाकी, 2 ऑफिशियल अंपायर इस वक्त मैच की निगरानी करने के लिए, पिनाकी डिंडा एक तरफ पिनाकी पोंडा, और वहीं थर्ड अंपायर की भूमिका में हमारे सर कल्याण सर जुड़े हुए हैं, शांतनु दे सर जुड़े हुए हैं, कुल मिलाकर के पूरी पैनल लगी हुई है। एक बेहतरीन मैच हम देख रहे हैं, गर्म जोशी वाला, ठंड के माहौल में बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई, इसलिए हम कह रहे थे क्योंकि क्रिकेट की महाजंग छेड़ी गई है और आज सरपंच की चुनाव है। हमारे मुखिया सर बैठे हुए हैं खोकन दास महाशय, हार्ट ऑफ वर्धमान, वर्धमान की आन बान शान उस विधायक कप में चलता हुआ। देखे गेंदबाज तैयार है फिर से एक बार क्लब हाउस एंड से।
सामना करेंगे सागर अली। यस, किया था सागर। इस शॉट्स के लिए जाने जाते हैं, क्लास बैट्समैन है, जब भी आते हैं वेट एंड वॉच करके खेलते हैं और सिचुएशन के अनुरूप ढल जाते हैं। हालांकि बोकारो एक्सप्रेस को बिल्कुल जगह में जाकर के जो जगह को नियंत्रित किया था और उसके बाद बल्ले और गेंद के बीच वो मधुर मिलन हमने देखे सागर के बल्ले से एक आता हुआ दमदार स्ट्रोक 6 रन के लिए। चेक, चेक। इस छक्के के साथ रन संख्या 56 पर जा पहुंचा है। चौथा ओवर प्रगति पर है, 2 विकेट जरूर खोया है टीम एंजल कोलकाता। हालांकि टीम ऑनर अरिंदम धर सर बैठे हुए हैं। बैट करके 360 घूम गए थे और आधा सफर पार कर चुके थे जगत। हालांकि वापस सेफ जोन पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे साथ another 6. There was a chance for Miku to come back after giving this drop to Sagar Ali. With the pull one. फिर एक बॉल अंदर दे दीजिएगा जो बिल्कुल अच्छा रिपेयर कर रहे हैं। एक ही छोर को बांध रखा है। 4 गेंदों से सागर अली इस वक्त 13 रन पर खेल रहे हैं। एक अच्छी पार्टनरशिप जो आवश्यकता थी इस पार्टनरशिप की, क्योंकि जल्द 2 विकेट खो जाने के बाद 8 गेंदों से 28 रन पर जो अपने वैगन व्हील को सेट किया था जगत सरकार ने, हालांकि अब टीम को है इनकी दरकार। देखिए किस प्रकार से खेलेंगे जगत और सागर, क्योंकि जब जब टीम को दरकार थी और तब तब सरकार ने अपनी सरकार बनाई है और आज एक बार फिर उस टीम को उस सरकार की जरूरत है, क्योंकि हम देख लेंगे 2023 का नया सरकार वर्धमान कप एमएलए कप जब चल रहा है कौन होगा चैंपियन, क्योंकि दोनों टीमें प्रबल दावेदारी है, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है, क्योंकि बराबर की टीमें चल करके आई है। Now hey, Sagar goes for the cover one. That's a very powerful one into the covers. And Miku. Miku is creating some expensive overhead over here. And the last 2 deliveries left. Miku will try to leave as soon as possible this 22 yards. Because he have no, the prince is batting and the king is standing in the very non-second end. Sagar Ali slashes and gone for 4. That's a lot for Sagar. If you want to win the final for Ori 311, you have to be a little intelligent to bowl to Sagar. You can't be so easy to Sagar at this moment of the game. यस, सच में सागर जिसके लिए जाने जाते हैं ठीक बिल्कुल अब अपने टीम के लिए पूरी घाघर भरती हुई नजर आ रही है। 7 समंदर पार पहुंचा रहे हैं, गेंद को जब जब मौके मिल रहे हैं तब तक चौके और छक्के के लिए बरस पड़ रहे हैं। अदरवाइज ये टीम सेमीफाइनल में आरति एंड तिरुपति बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आई थी, लेकिन जैसे ही जैसे ना उनके सामने एंजल आई है क्या लड़खड़ाती हुई टीम नजर आ रही है, ये वक्त बताएगा इससे पहले कि कम बैक करने के लिए दोनों के पास मौका है। सो
स्लैग स्वीप किया जा रही है गेंद, धरती पकड़ निकल जाएगी। तन की शक्ति और मन की शक्ति के साथ बल्लेबाजी करते हुए सागर अली, आली रे आली सागर अली, चार रन और जोड़ लिए हैं। चार ओवर का खेल खत्म हुआ, रन संख्या 74 पर जा पहुंचा है, जबकि दो विकेट खोया है टीम एंजल कोलकाता। अब भी 24 गेंदों का खेल बचा है, 57 रनों की आवश्यकता है। नाउ नीडेड 24 बॉल्स 57 रन्स। पानी थोड़ा अंदर ले जाएं, नीलेंदु सर पानी थोड़ा अंदर। और अब मैं स्वागत करना चाहूंगा सरीफुल मौला सर को, स्वागत है सर आपका। तो नमस्कार, ये मुहूर्ते फिर आसी धारावाहिक कक्षे, आमी शरीफुल मौला। एवं अवश्य ये मुहूर्ते किन्तु एकटा प्लैटफर्म पेयेछे जेखाने दल एंजेल कोलकाता, जगत सरकार एवं सागर आली जेभावे तारा किन्तु ये मुहूर्ते बैट करछेन, ताते किन्तु अवश्य कोलकाता एंजेल अनेकटाई विशेष करे एखाने किन्तु स्वस्तिते रयेछे। अरित्र त्रिपति एकटा भालो टोटाल दियेछिलो जेखाने 130 इवेंचुअलि फुटिंग अन द बोर्ड 130-ए तारा किन्तु डिफेंड करछेन, কিন্তু শুরুটা যেভাবে করেছেন প্ল্যাটফর্ম পেয়েছেন অ্যাঞ্জেল কলকাতা। এবং এই মুহূর্তে কিছুটা হলে অরিত্র ত্রিপাঠীকে কামব্যাক করতে হবে, যেমন গত ওভারে মিঙ্কু 24 রান, একটা এক্সপেন্সিভ ওভার, সেখান থেকে একটা প্রোডাক্টিভ ওভার অ্যাঞ্জেল কলকাতার অনুকূলে, তো সেখান থেকে কামব্যাক করতে হলে ইকোনমিক্যাল ওভার কিন্তু এখানে অ্যাচিভ করতে হবে ওই অরিত্র ত্রিপাঠী দলের বোলারদের। তো এই মুহূর্তে আমরা দেখছি যে অসংখ্য মানুষ তারা কিন্তু এর আয়ুষ প্রকাশের সৌজনে যেটা যাচ্ছে লাইভ অ্যাকশন নিয়ে চোখ রেখেছেন, তাদেরকে আমরা শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন করব অর্গানাইজিং কমিটির পক্ষ থেকে এবং মূল পৃষ্ঠপোষক সম্মানীয় খোকন দাস মহাশয়ের পক্ষ থেকে। তো এই মুহূর্তে দলীয় রান সংখ্যা 74 2 উইকেটে এবং 4 ওভার শেষ। তো নতুন ওভার শুরু হবে, এদিকে প্রথম বল, প্রথম বল মিঙ্কু ইনসাইড আউট, এক্সট্রা কভার উপর দিয়ে বল এবং মাঠের বাইরে। কিন্তু পৌঁছে যাবে 80 এবং 2 উইকেটের বিনিময়ে, যেখানে 34 রানে ব্যাট করছেন আজ সেকেন্ড ওয়ান জগৎ সরকার, অপরদিকে 7 বল থেকে 25 রানে। এবং এখানে নেক্সট বল, দ্যাটস লিটল বাউন্সি, দ্যাটস লিটল বাউন্সি, জগৎ সরকার ইজ আস্কিং ফর হোয়াইট বল বাট নট ইট ইজ, ইট ইজ আ লিগ্যাল ওয়ান এন্ড দ্যাটস গোইং ফর আ ফার্স্ট বাউন্স। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিউয়ার্সের সংখ্যাটা কিন্তু অনেক ক্রস করেছে 5000-এর উপর লোক কিন্তু এই মুহূর্তে আয়ুষ প্রকাশের পর্দায় কিন্তু চোখ রেখেছেন। অর্থাৎ আমি যেটা আগেই বলার চেষ্টা করেছিলাম, যেখানে ইমেলি সাহেবের সঙ্গে আমি যে কথাটা শেয়ার করছিলাম যে গোটা ভারতবর্ষব্যাপী অসংখ্য মানুষ তারা কিন্তু চোখ রাখবে আয়ুষ প্রকাশের পর্দায়, এবং এই টুর্নামেন্ট সমগ্র জেলা ছাড়িয়ে। Is it carrying? Is it carrying? Yes, they got him. They got the big man, Jagat Sarkar. Every time, Angel Kolkata is trying to dominate. But no, it's Orito. তো 11 বল থেকে 34 রান করে সেখান থেকে জগৎ সরকার কিন্তু ফিরে আসছেন ডাগ আউটে। তবে প্রিন্স অফ তারকেশ্বর যে কাজটা করেছেন, প্ল্যাটফর্মটা দিয়েছেন তার দলকে, সেখান থেকে অনেকটাই স্বস্তি ড্রেসিং রুমে, যেখানে শুরুটা যেভাবে হয়েছে প্রতিপক্ষ দলার বলারদের কিন্তু মনে হলো যে স্ম্যাশ করছিলেন, মানে বধ করছিলেন, যেহেতু স্পোর্টিং উইকেট আগেই বলেছেন বারবার, যেখানে স্পোর্টিং উইকেট দান করেছেন পিস কিউরেটার
এবং অবশ্যই যার নাম না করলেই নয় শেখ রাহুল তাকে ধন্যবাদ এবং স্কোরিং এ কল্যাণ মিত্র রয়েছে সুমন মাইতি রয়েছে जी बिल्कुल मैं ऐसे गेंदबाजी का जिक्र कर रहा था सर मैं कह रहा था पहले भी कि ये टीम जरूर नहीं आई है इस सीजन बंगाल में लेकिन धमाकेदार एंट्री हुई है देख सकते हैं जगत के आउट होने के बाद पिन ड्रॉप साइलेंट हो चुका है हालांकि हजारों की संख्या में दर्शक इस मैच को वॉच कर रहे हैं कमाल और धमाल की गेंदबाजी जो शाकिर ने जगह में जाकर के स्लोअर गेंद को यूज किया था एंड हियर कम्स फरदीन काजी ही विल नॉट लेट दिस साइलेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम हिज बैट विल स्पीक The heat will do the needful. And another end is Sagar Ali. He's just thrust for the runs. He knows he can make the finish of the game as soon as possible for Angel Kolkata. So, Fardin Kazi is Angel Kolkata, new man comes to the crease. So, you can see the Pratipokho Dal is going to come back. Aritra Tripathi Dal is going to come back. But he's going to come back. He's going to come back. Kazi! The very exact way Shakir is welcoming Kazi in the very exact way I was telling about. He's not letting this Mumbai man to work in his feet. It's not going to be that easy. The game is slowing. The momentum is telling. It can be anybody's game. It's a 50-50 chances. It's a dicey situation right now. তো ইতিমধ্যে সাকির যিনি প্রথমবার তারপরে একবার চার বল থেকে 25 রান খরচ করেছিলেন ওই দেখ গন They gone for Din Kazi. What a drama into the game. And all this with this in MLA Cup 2020. তো ডাক দিতে হবে ইমপ্রেসিভ বোলিং এবং একটা উইকেট তার নামের পাশে ব্রেক থ্রু দিয়েছেন দলকে কিছুটা কিন্তু নির্ভরতা দিয়েছেন আমরা ধন্যবাদ জানাব সমস্ত ভিউয়ার্সকে যারা আয়ুষ টকাসে চোখ রেখেছেন সমস্ত এই গ্রাউন্ডের দর্শক সাধারণ যাদের গৌরবময় উপস্থিতি আমাদের সহযোগিতা করেছেন গত তিন দিন যেভাবে আপনাদের আশীর্বাদ এবং ভালোবাসা তো সব মিলিয়ে ভারতবর্ষ একটা অনবদ্য টুর্নামেন্ট দাগ কাটবে টেনিস ক্রিকেট মানচিত্রে অসম্ভব সুন্দর একটা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হিয়ার কামস সন্তু কালসা He has shown his jalsa in the very semi-final of the game. He has got only one delivery left for this over. It's 19 ball left and all they need is 51. So big drama into the game. Santu Kalsa. Let's see. Santu Kalsa, he clears it, that's a one drop I guess, I need to confirm from the umpire, and that's gone for four. Kalsa kintu prothom offensive shuru ta korlen, je bhabe kintu dol ke bishesh kore joylab korte hole, shekhante ekta partnership dite hobe, ebong obosshoi Santu Kalsa, ম্যাচ উইনিং প্লেয়ার চাপে অ্যাবজর্ব করতে পারে তবে এখানে কিন্তু পরীক্ষা নেবে এই গ্রাউন্ড এই পিচ তো 18 বল থেকে 47 করতে হবে ম্যাচ কিন্তু বলা যেতে পারে এই মুহূর্তে একেবারে 50-50 জায়গা রয়েছে এখান থেকে যে কোনো দল এই চ্যাম্পিয়ন্সের শিরোপা মুকুট কিন্তু নিজের মাথায় কিন্তু পড়তে পারে কারণ তিন ওভার লাস্ট থ্রি ওভার্স রিমেনিং 47 নিড টু উইন So it's look like 47 in 18. Chances there, chances are not there for both the teams. So 18 বলে 47 দুটি দুতরফে কিন্তু একটা চাপ থাকবে কোনো ড্রেসিং রুমে কিন্তু স্বস্তিতে নেই কারণ সাগর আলীর আউট হওয়ার পরে জগৎ সরকার যেভাবে ফিরে এসেছেন প্রতিপক্ষ দলে কিছুটা হলো অক্সিজেন পেয়েছে ফিল্ডিং সাইড যেখান থেকে কামব্যাক করেছে অরিত্র ত্রিপতি দল তো সেখান থেকে দেখতে হবে শেষ পর্যন্ত কোন দল
চাপ অ্যাবজর্ব করতে পারে, যারা চাপ অ্যাবজর্ব করতে পারে পজিটিভ বিশেষ করে পারফর্ম অ্যাপ্লাই করতে পারবে তারা কিন্তু এই ম্যাচ জয়লাভ করবে এবং ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এই টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়নশিপ শিরোপা সিজন ফোর তারা কিন্তু অ্যাচিভ করবে। Here comes Naeem, the very new bowler in this final sessions. The final game, second innings, here comes Naeem. Let's see how he introduces himself in front of Sagar Ali. And that's how it's up, Ishwan. Fielder under it. Drama into the game again. Sagar Ali! করে কিছুটা হলে দলকে কামব্যাক করেছিলেন, এই মুহূর্তে উইকেট হারিয়ে যেভাবে ড্রেসিং রুমে ফিরেলেন বাড়তি একটা চাপ তৈরি হলো, সেখান থেকে আরও কিছুটা অক্সিজেন অরিত্র ত্রিপতি দল। তবে দেখতে হবে সেখান থেকে সন্টু কালসার রোলটা কী হয়, সন্টু কালসাকে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করতে হবে, তাকে কিন্তু এই ম্যাচের পুরো দায়িত্ব নিতে হবে। সন্টু কালসা অ্যাগ্রেসিভ ব্যাট করতে পারেন এবং অবশ্যই অনেক ক্ষেত্রে ম্যাচ বের করার যে বেশ করে যে ভূমিকা রোল সেটা কিন্তু আমরা দেখেছি। তো সন্টু কালসা এই মুহূর্তে ওয়ান ম্যান আর্মি, তা কিন্তু লড়াইটা করতে হবে। সন্টু কালসা নট অনলি সন্টু কালসা, সুভদীপ জানাইস উইল টেক দ্য স্ট্রাইক, দ্য লেফট হ্যান্ডার অলসো নোন অ্যাজ ধোনি। ও দ্যাটস আ ললি, দ্যাটস আ ললি, ইউ ক্যান ডু ইট নেইম, ইউ গট সাগর আলি, নাও ইউ ক্যান বোল। কারণ শুভদীপ জানা বেশ করে খুব কম বলে বড় শট খেলার বড় ইনিংস খেলার দক্ষতা রাখে, দুটি ব্যাটসম্যানের অ্যাবিলিটি রয়েছে। তো এক্ষেত্রে দেখতে হবে তো শুভদীপ জানা এসে মনে হচ্ছে ড্রেসিং রুমে সেট হয়েছিলেন, যেখান থেকে প্রথম বলকে সাবলীলভাবে কিন্তু আকাশপথে ফুল করেছিলেন, মাঠের বাইরে পাঠিয়েছেন। তো অস্বস্তি বাড়বে অরিত্র ত্রিপতি ইলেভেন দলে, যেখানে একটা বড় শট এসছে এবং এই গ্রাউন্ডে যে কোনো মুহূর্তে রং বদলে যেতে পারে, কারণ লং বাউন্ডারি নয়, উইকেট একেবারে ফ্ল্যাট পিচ, যেটাকে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে বলা হয়, যেটাকে ড্রাই পিচ বলা হয়, স্পোর্টিং উইকেট। অবশ্যই আমরা পিচ ক্রিকেটে কিন্তু অনেকবার তাকে কিন্তু প্রশংসা করতে আমরা দেখেছি এস কে রাহুল। তবু বলবো ম্যাচ 50-50 জায়গায়, স্টিল নাও ইটস 41 নিডেড 16 ডেলিভারিজ, দিস ক্যান বি এনিবডিজ গেম। আর নাইম কাম, নাইম হ্যাভ টু বোল অ্যানাদার ওভার আই গেস, দ্য ক্যাপ্টেন উইল ইউজ হিম, বাট নাইম ইউ ক্যান ডু দিস ললি টু সুমন জানা। শুভজিৎ জানা is trying for a cheeky, the umpire is not convinced, the umpire is not convinced, and only to 11, all the 11 players chasing to the umpire for the big appeal of Shubhajit Jana, the man from Digha. The umpires are not convinced, they didn't look convinced, and as if the captain is asking for the ball. 15 deliveries left and 14, 41 is all needed. It's a matter of some six to seven. But it looked like it's a tense evening in the final of MLA Cup 2023. তো এই মুহূর্তে যেটা ইকুয়েশন বলছে 15 বল থেকে 41 রান প্রয়োজন, একেবারে বলা যেতে পারে দুটি দল একেবারে সমান জায়গায় রয়েছে, সেম কন্ডিশন রয়েছে ইকুয়েশন, কোনোভাবেই কোনো দলকে জানা another dot. Naeem, he make him come back very soon. He got a six from Sagar Ali, then got Sagar Ali. Prottekti dot ball, kintu chap barbe Angel Kolkata dressing room e.
কারণ যেখান থেকে এত অ্যাটাকিং ব্যাট করতে পারেন ডট হচ্ছে বিট হচ্ছে এবং আরো একটি বল সেটাও কিন্তু ডট বল অরিত্র ত্রিপতি দল ধীরে ধীরে ম্যাচে কিন্তু কামব্যাক করেছে প্রশংসা করতে হবে তাদের বোলারদের নেক্সট বল Now I'm taking some breath. He knows it's a grand finale of MLA Cup 2023. He can't cut loose. Angel Kolkata. Jana, no. That's a misfield. This look expensive. Is it gone for four? Is it gone for four? That's a brilliant effort from the man and the third man. And that's mostly looked like a four. Jagat Sarkar, he's pumped up. এখানে আম্পায়ারের সিগন্যাল অপেক্ষায় থাকবো তো যেখান থেকে দেখতে হবে একটা মিস ফিল হয়েছিল মনে হচ্ছে এবং এখানে বিট হয়েছিল উইকেট রক্ষক এবং চারটি রানে And here goes the signal from the umpire and that's gone for four. Welcome boundary. Every run is crucial এই মুহূর্তে একটা বড় শট আসার মানে কিন্তু অনেকটা বিশেষ করে স্বস্তি পাওয়া মাচ নিডেড বাউন্ডারি মাচ নিডেড ওভার বাউন্ডারি বিয়ালফ অফ অ্যাঞ্জেল কলকাতা দল যাদের লক্ষ্যমাত্রা কিন্তু 131 নির্ধারিত 8 ওভারে গ্র্যান্ড ফাইনাল ম্যাচ লাস্ট ওভারের শেষ বল নিয়ে আসবে এবং যেখান থেকে দেখতে হবে বড় শট আসে কিনা তো সেখান থেকে কিন্তু চাপ অ্যাবজর্ব করে বড় শটে কনভার্ট করতে হবে ম্যাচ জয়লাভ করতে হলে অ্যাঞ্জেল কলকাতা দল 131 ইজ দ্য টার্গেট টাচ করতে হবে Next ball. Here goes Naeem. He have dotted Subhajit Jana for last three deliveries. Just forget the misfield and it's gone for four. Here goes Naeem. To Jana. Jana! Has he cleared it? Yes, he cleared it. That's the shortest portion of the ground. For five or Aritra even go for five. Noem ki to abarta duranto korechilen shesh ball theke ekta boro shot eshe. Ektu holo expensive promanito holen jekhane 12 run kholos korechen. To shekhan theke 6 to end the over. Kichuta hole abar kintu Angel Kolkata dressing room e shosti bolbo. Ei muhurte jekhane 12 ti ball e khela baki royeche. 12 ball theke korte hobe 31. 31 needed from 12 balls. Ebong ei muhurte ekta boro suchona, boro prapti ei tournament er jonno jekhane এমএলএ কাপ ওভার 7000 পিপল তারা চোখ রেখেছেন আয়ুষ রকার্সের পর্দায় অর্থাৎ এই মুহূর্তে ভিউয়ার সংখ্যাটা 7000 ছাড়িয়েছে এটা একটা রেকর্ড বলতে পারে বেঙ্গল টেনিস ক্রিকেটের খুব কম ক্ষেত্রে রিয়র ক্ষেত্রে কিন্তু 5000 ক্রস করে এই ক্ষেত্রে 7000 ওভার লোক এই মুহূর্তে কিন্তু আয়ুষ রকার্সের পর্দায় রয়েছে It's not a matter of 7000 people, it's a matter of this 22 guys playing over in this ground in the very final day of MLA Cup 2023. You got the 7000 crowd that's because of this 22 man standing and playing the game Barowal proyojon 31 ebong bowling marker ana hoyeche boro guru daitto niye Shakil Shakil oh what a welcome to Shakil what a welcome to Shakil Angel Kolkata They got the big names. তো সন্টু কাল থেকে বলেছিলাম দায়িত্ব নিতে হবে এবং সেটাই কিন্তু মনে হচ্ছে করে দেখাচ্ছেন তিনি তো ফেস করবেন সন্টু কালসা এন্ড নেক্সট বল সন্টু কালসা হি ডট হিমসেলফ আম্পায়ার্স লুক কনফিউজড ফর ওয়াইড এন্ড ইট ইজ আ ড্রামা অফ দ্য গেম ওয়াইড শাকিল ইউ ক্যানট গো ফর আ ওয়াইড এট দিস মোমেন্টাম অফ দ্য গেম ইউ ক্যানট কাট লুজ ইনজার্ড কলকাতা হলো একটা রান আসবে
অতিরিক্ত একটা কিন্তু বল বাড়বে অর্থাৎ অরিত্র ত্রিপতি দল আবারও কিন্তু কিছু আরও কিন্তু প্রেশার অনুভব করবে এবং অ্যাঞ্জেল কলকাতা কিন্তু রিলিজ হবে রিলিফ হবে ড্রেসিং রুমে জগৎ সরকার সহ সমস্ত খেলোয়াড় নতুন করে কমিটির বক্সে জয়েন করবে অবশ্যই অরুণ প্লিজ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ संटो इस वक्त बीट हुआ है लेकिन थर्ड मैन क्षेत्र पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद जहां तक छोर बदलेंगे दोनों ही खिलाड़ी बाई के रूप में एक रन जुड़ता हुआ धीरे धीरे फासला अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अब जरूरत 10 गेंदों पर 23 रनों की आवश्यकता 10 टू गो 23 मोर रन टू विन व्हाट इज द ड्रामा क्रिएट्स हियर बोथ टीम्स हैज बीन प्लेइंग अ वेरी एक्सेप्शनली वेल एट दिस मोमेंट ऑफ फाइनल लुक्स लाइक अ ईडन गार्डन दिस ग्राउंड हैज बीन Pen drops silently, watches the match. No one can say who will win this match. No need to call Ratala in Eden Garden. Ratala itself have got this reputation in the tennis ball cricket. Dhoni goes high! Dhoni goes handsome! It's just a flick of... जरूरत के मौके पर यह पारी बहुत ही कारगर सिद्ध होगी धोनी शुभजीत जाना और एंजल कोलकाता के लिए यह बिल्कुल लकी ग्राउंड है और यह ऑन साइड के जाने ब्लॉक ऑन साइड पर एक सिंगल पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने जहां तक दो आठ गेंदे अब 16 रनों की आवश्यकता 8 बॉल्स 16 रन्स नीड It's 16 needed. Only two hit away. Angel Kolkata for making another feather into their crown. They have got so many feather in their crown. Now they are going to take another one. If any miracle can save Orito 11, but they will give their everything for this game. There's you! Massive and a Mackie blow up back. तिरुपति एकादश के बीच चलता हुआ यह खेल अगली गेंद लेकर गेंदबाज डॉटेड हिम वी आर नॉट डन हियर वी आर नॉट जस्ट डन हियर इज 10 नीडेड इन लास्ट 6 सेलिब्रेशन ऑफ द गेम 18 पार्टिसिपेटेड 15 मैच गोइंग टू प्ले एंड हियर वी आर इन द फाइनल ऑफ एमएलए कप 2023 Either it's Angel Kolkata or it's Orito 11. Kolkata, Angel Kolkata's lucky ground. It's Ratala. Minded, this is a 2023. It's a phenomenal day today. Final day of this Bardhaman Dakshin MLA Cup. It has been a historical moment.
सिक्स बॉल्स टेन रन नीडेड्स, छह गेंदे और दस रनों की आवश्यकता, क्या यह मुकाबला जमा है आज के जमजमावट के बीच, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग पर 7000 से ज्यादा दर्शक मौजूद है, वहीं जो है कि ग्राउंड से वॉच कर रहे हैं लगभग 50000 से भी ज्यादा दर्शक इस मैच को काफी क्लोज जो है कि वॉच कर रहे हैं, क्या यह मौका, क्या यह दस्तूर बना है? ध्वनि स्ट्राइक पे सात गेंदों में 19 रन बना करके खेल रहे हैं ध्वनि, छह गेंदों में। Here comes Minko, who was expensive in his first over. He have already given 24 runs, but here he have to save 10 runs, the very crucial 10 runs of his life of this finale. Dhoni, Dhoni goes high, Dhoni goes huge. Shogoto Manna is asking. And all they have got, they have to save the last three runs or it's 2-11. All they need is a miracle. And Angel Kolkata, all they need are six. It's a high and humid conditions over here in North Tola. You didn't expect this. And the umpire goes, and Sagar Ali, he's delighted. He knows it's his home, one of his home ground. He's one of the favorite kid out here. Minko, here he goes. Dhoni. And it's a tried for leg by his Twinkle Sandukasa. Chance of a run out. But no. Two needed now. That is a sign for a leg by. Well, that is a sign of a big team, Angel Kolkata. They have started with the win. They have ended with the win. What a tournament is going for Angel Kolkata right now. And here in North Tola. And Minko, he had got nothing for this match today. All he had to save two runs. This could be anybody's game. Santukalsa slashes, gone for four. Angel Kolkata. Done here.